मध्य प्रदेश के हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट मामले में प्रशासन फुल एक्शन में है। एक ओर जहां घायलों का पर्याप्त इलाज कराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रात पुलिस ने फैक्ट्री संचालक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को सारंगपुर से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के अलावा रफीक खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कांग्रेस पार्षद सईद खान का भाई है। इसके अलावा मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है, जहां 3 सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि हादसे में 11 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 174 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका राज्य के कई जिला अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका, राख हुआ पूरा इलाका। ₹500 फीट दूर तक उड़े ईंट पत्थर, हरदा का खौफनाक मंजर। आसमान में आग, धुएं का गुबार और चीख पुकार के इस खौफनाक मंजर से मध्य प्रदेश का हरदा ही नहीं, पूरा देश दहल उठा है। हरदा के बैरागढ़ गांव की पटाखा फैक्ट्री में हुए लापरवाही के इस धमाके में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 175 से ज्यादा लोग घायल हैं। मामला इतना बड़ा है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक सब हरकत में आ गए और मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तो दूसरी तरफ पुलिस ने फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन उसे दबोच लिया गया। फैक्ट्री को 3 भाई राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल और प्रदीप अग्रवाल चला रहे थे। पुलिस ने राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के अलावा रफीक खान उर्फ मन्नी को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इनके खिलाफ धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, जो कि इनके नाम से वो दुकान संचालन था, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल, सारंगपुर से इनको कस्टडी में लिया। अपराध क्रमांक 42/24, धारा 304, 308, 34 IPC और धारा 3 1908। खबरों के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री नियमों को ताक पर रख कर चलाई जा रही थी। प्रशासन ने इस फैक्ट्री को पिछले साल सील कर दिया था, लेकिन मालिक राजेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर फैक्ट्री दोबारा चालू कर ली। पिछले साल फैक्ट्री को बारूद का ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से सील किया गया था। बाद में होशंगाबाद के कमिश्नर ने फैक्ट्री का लाइसेंस बहाल कर दिया, जबकि फैक्ट्री में 2 साल पहले भी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे।